नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में। नेशनल इनकम का हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। देखेंगे कैसे नेशनल इनकम को निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है और क्या है ये नेशनल इनकम। ये सारे नोट्स मैंने जो बनाए हैं ये पिछले परीक्षाओं में आए हुए SSC UPSC में आए हुए प्रश्नों से संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं नेशनल इनकम की, कि कौन निकालता है इसको, कौन कैलकुलेट करता है यानी कौन मेजर करता है। तो इसको इसका आकलन जो करता है डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CSO यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1951 में। अगला पॉइंट है, सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो उसका जवाब है दोस्तों दादा भाई नेहरू जी ने, और कब किया था? 1868 में, 1868 में दादा भाई नेहरू जी ने नेशनल इनकम को जब निकाला था, तो फिर उन्होंने नेशनल इनकम में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय निकाली थी, वो उस टाइम 1868 में थी 20 रुपये, यानी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम थी 20 रुपये। आइए दोस्तों जानते हैं क्या है नेशनल इनकम, क्यों इसे निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये है क्या नेशनल इनकम, तो पढ़ते हैं। चलिए, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री। तो किसी भी एक देश में एक साल के अंदर जो भी गुड्स, सामान या फिर सेवाएं, सर्विसेज का जो उत्पादन होता है, जो भी उसका प्रोड्यूस्ड हुआ है, उसकी टोटल वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम। समझ में आ गया होगा आपको, यानी एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसकी जो फाइनल टोटल वैल्यू है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। अगला पॉइंट है, इसको क्यों निकाला जाता है यानी क्यों इसकी जरूरत पड़ती है हमें। तो ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, टू मीजर द एनुअल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश की वार्षिक आर्थिक परफॉर्मेंस को जानने के लिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है SSC में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को जानने के लिए। तीसरा पॉइंट है, कैसे इसको निकालते हैं यानी कौन सी वो चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। द मार्केट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और फर्म और इंस्टीट्यूशन। तो देखिए इसमें जो दिया गया है, कोई भी व्यक्ति हो, पर्सनल व्यक्ति हो, कोई भी रेजिडेंट हो किसी कंट्री का, कोई फर्म हो या इंस्टीट्यूशन हो, एक साल के अंदर उसके गुड्स और सर्विसेज की जो फैक्टर कॉस्ट होती है, मार्केट वैल्यू होती है, जो भी यानी उसने एक साल के अंदर अंदर जो भी गुड्स तैयार किया, प्रोड्यूस्ड किया, उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं नेशनल इनकम। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, जो कौन से कंसेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, जो हेल्पफुल टू मीजर द नेशनल इनकम, जो भी राष्ट्रीय आय को निकालने में जो भी कंसेप्ट हमारे आते हैं वो हैं ये GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा है NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं निबल घरेलू उत्पाद। तीसरा पॉइंट है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चौथा पॉइंट है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, इसको बोलते हैं हिंदी में निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी जो SSC CPU का एग्जाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में हर डेट में ये क्वेश्चन आया है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है GDP NDP GNP और NNP, यानी हर शिफ्ट में हर तारीख को इसमें से एक फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछी गई थी। तो चलिए जानते हैं दोस्तों GDP होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, ये होता है GDP। तो देखिए GDP होता क्या है, GDP यानी कोई भी कंट्री के अंदर एक साल में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे बोलते हैं GDP, यानी किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक साल के अंदर एक पार्टिकुलर कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका फाइनल वैल्यू, उसको बोलते हैं GDP। तो दूसरा पॉइंट हमारा NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको निकाला जाता है जैसे कि GDP में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो इसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जी हमने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी एक साल, यानी ये इसमें था पार्टिकुलर कंट्री के अंदर एक साल में, और इसमें रहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश में रह रहे हों या फिर किसी दूसरे देश में, तो वो कितनी भी इनकम जनरेट करते हैं एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं,
या फिर अगर रेजिडेंट्स हमारी कंट्री में रह रहे हों वो जितना भी करते हैं उसे बोलते हैं जीएनपी। अगला पॉइंट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये निकाला जाता है जीएनपी को। जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तो ये हमारा एनएनपी निकल आता है। दोस्तों डेप्रिसिएशन क्या होता है ये देखते हैं। तो किसी भी गुड्स है, कोई भी मान लीजिए कोई मशीनरी है, एक साल के अंदर अगर वो चलाई गई, जो प्राइस है उसमें कटौती होगी उसके वियर एंड टियर, यानी जितना उसका यूज़ हुआ है यूज़ के हिसाब से उसके प्राइस कम होंगे तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। किसी मशीनरी की मूल्य है 10,000 रुपये और एक साल के अंदर उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगता है, यानी उसका यूज़ के जो 10,000 रुपये में से 10% लगेगा तो आपका 1,000 माइनस करके आपको 9,000 रुपये उसका डेप्रिसिएशन निकाल के आपकी उसकी जो मूल्य वैल्यू होगी वो होगी 9,000 रुपये। दोस्तों कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे भी नेशनल इनकम निकाली जाती है, तो इसे ये देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यानी आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे, चौथा पॉइंट आपको ऑड दे दिया जाएगा। उसमें से पूछेगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं है, तो आपको 3 पॉइंट इसमें से दे दिए जाएंगे और चौथा ऑप्शन आपको एक ऑड दे दिया जाएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइवेट इनकम यानी निजी आय, तीसरा है पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय, चौथा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निजी प्रयोज्य आय, पांचवा है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम राष्ट्र प्रयोज्य आय। तो इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये नेशनल इनकम का, बहुत डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक एसएससी यूपीएससी में यानी क्वेश्चन आते हैं वहाँ तक मैं आपको समझा दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, डाउट सेक्शन में कमेंट कर दो और हो सके तो इसको शेयर कर देना।